हेलो योर वे लवली स्टूडियोज़, तो कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडक्शन कुकटॉप को या इलेक्ट्रिक गैस को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, कैसे उसे चलाते हैं, फुल डिटेल में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये मेरे पिछले वीडियो का सेकेंड पार्ट है, यानी कि पिछला वीडियो जो था उसमें मैंने आपको दिखाया था प्रेस्टीज इंडक्शन कुकटॉप को अनबॉक्स करके और उसके थोड़ा बहुत फीचर्स बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वो मिल जाएगा और साथ साथ इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों टॉपिक को लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी आयन। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएगा और साथ ही अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स फटाफट से इसके फंक्शन आपको समझा देते हैं। पावर ऑन हमने दे दिए, इसको पावर सप्लाई दे दिए तो इस तरह का ये ब्लिंक करता है। तो वेसल का आपको बताने की पिछली वीडियो में जैसे आपको बता दिया था फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल, ये देखिए इस तरह का वेसल होना चाहिए। तो वेसल को हम रख लेते हैं, इसमें थोड़ा पानी भर लेते हैं। तो व्यूअर्स हमने पानी रख लिया वेसल में आपको दिखाने के लिए, चलिए अब दिखाते हैं। तो इसके फंक्शन आपको समझाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको अगर समझाने लिखा हुआ है डोसा चपाती, ये टाइमर का ऑप्शन है, प्रेशर कुकर, कड़ी, इडली, डीप फ्राई, हीट मिल्क, कीप वार्म और सॉर्ट का ऑप्शन है। चलिए तो आप इसे सबसे पहले पावर ऑन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये प्रेशर कुकर पे ऑप्शन आ जाता है इसका, जिसकी वैल्यू आपको दिख जाएगी, ये 1100 वाट का ऑप्शन दिखा देता है। तो अब आप अपने पसंद का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले सारे ऑप्शन समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है आप डोसा चपाती अगर चूज करेंगे ऑप्शन, तो यहाँ डीसी लिख के आ जाता है, डीसी मतलब डोसा चपाती। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी, इसी पे आप काम करेंगे। टाइमर सेट करना हम आपको बताते हैं, पहले ऑप्शन दिखाते हैं सारे। प्रेशर कुकर का ऑप्शन आपने देख लिया है, ये फिक्स आपको टेम्परेचर मिल जाता है, आप इसे कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। कड़ी का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा 800 टेम्परेचर पर, और इसका भी आप कम और बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर। इडली और हीट मिल्क दो ऑप्शन स्पेशल है, आप समझ लीजिए, इसमें आपको टेम्परेचर फिक्स होता है प्लस 500 के आसपास, तो आप इसमें सिर्फ आपको टाइमर मिलेगा, इडली का दबाऊंगा तो टाइमर मिलेगा, हीट मिल्क दबाएंगे तो भी आपको टाइमर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें 20 का सेट होता है, इसमें इडली का 10 का होता है, ये मिनट है और ये आवर्स का टाइमर है, ठीक है। ये मिनट का आपका होगा और ये होगा आवर्स का, तो आप इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये टाइमर सेट हो गया, तो अब इसको बढ़ाते हैं 11, एक एक प्रेस करेंगे तो एक एक मिनट का टाइमर बढ़ता जाएगा। आपको अगर ज़्यादा बढ़ाना तो आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं, तो देखिए 10-10 की वैल्यू एक साथ बढ़ेगी लॉन्ग प्रेस करने पर, ठीक है। और यहीं पर लॉन्ग प्रेस माइनस में करेंगे तो आपको 10 की वैल्यूज़ में कम होती जाएगी, और सिंगल आपको कम करना है तो एक एक करके आप इसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, डीप फ्राई। डीप फ्राई में भी आपको टेम्परेचर यहाँ पे मिल जाता है इतना 200 का, और आप इसे कम बढ़ा सकते हैं। हीट मिल का ऑप्शन आपको दिखाई दिया है, की वॉम में। की वॉम एक स्पेशल ऐसा है जिसमें 60 डिग्री पर टेम्परेचर आपका फिक्स रहता है, आप इसे ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट में क्या है, आपको फ्राई करने का उबालने का ऑप्शन है, तो आप इसे कम कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर आपका 100 तक जाता है, ठीक है। तो ये आपके सारे ऑप्शंस हो गए। चलिए अब मैं आपको टाइमर लगाना सिखा देता हूँ। तो आपको टाइमर में क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपना कोई भी एक ऑप्शन सेट कर लेना है। आपका इडली और हीट मिल्क में तो ऑलरेडी टाइमर लगा ही होता है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो बाकी में हम आपको बताते हैं। तो मान लीजिए मैं आपका ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ कड़ी का, ठीक है। ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको टाइमर लगाना है, टाइमर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइमर 0 पे सेट दिख रहा है, तो आपको वैल्यूज़ की चेंज करनी। मान लीजिए आपको ये 1 मिनट का टाइमर हो गया, ये 2 मिनट के लिए हो गया, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो 10-10 मिनट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम 3 आवर्स तक का आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से 1 मिनट पर टाइमर को रख देता हूँ। ये देखिए मैंने 1 मिनट पर टाइमर लगा दिया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस टाइमर दबा पे यहाँ पे टाइमर दबा के यहाँ पे मुझे सेट कर लेना है और ये टाइमर चालू हो जाएगा, ठीक है। आपको दोबारा से ये बटन नहीं दबाना है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर और टाइमर बीच बीच में दिखाता रहेगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप यहाँ पे इसे बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, टाइमर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको ऑप्शन चेंज नहीं करना है, अगर आपने ऑप्शन चेंज कर दिया कोई भी तो ये टाइमर चला जाएगा। टाइमर देखने का ऑप्शन यही है कि आपको ये टाइमर प्लस टेम्परेचर बीच में इंडिकेट करता रहेगा और ठीक 1 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा। आपको दिखा देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये देखिए 1 मिनट पूरा हो चुका है
और ये टाइमर आपका बंद हो गया, मींस एक मिनट बाद पूरी मशीन ऑफ हो जाएगी, वापस वहीं आ गया जो स्टार्टिंग में था, सिर्फ पावर सप्लाई मिल रही है इसको। तो ये इस तरह के इसके ऑप्शंस हैं, आप इसमें खाना बना सकते हैं, चाय गर्म कर सकते हैं, दूध उबाल सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एक और मेन स्पेशल फीचर मैं आपको बता दूँ, जो कि इडली और हीट मिल्क के लिए ही है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिले टाइमर लगा सकते हैं, मतलब कि यह है कि अभी ये मैंने सिर्फ इसको पावर ऑन दिया है, ये उसी फेज में आ गया है वापस, अब मुझे क्या करना है, इसमें दूध गर्म करना है, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता, दो मिनट, एक मिनट, पाँच मिनट, जितने मिनट बाद गर्म करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ इतना करना है, ये पावर, इसको पावर सप्लाई देनी है, ये ऑन इसमें आ जाएगा, पावर ऑन नहीं करना है, सीधे मैं यहाँ टाइमर का बटन दबाऊँगा, ठीक है, इसे सिलेक्ट करूँगा, मान ली मैंने एक मिनट का सिलेक्ट कर लिया है, तो ये ऑटोमेटिक देखिए हीट मिल्क के ऑप्शन पर आ जाता है, आप इसे बदल के इडली का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इन दो पर, और किसी पर ये काम नहीं करेगा, इडली और हीट मिल्क के लिए। अब मैं यहाँ पे अपना ऑप्शन रख दूंगा, अगर मुझे हीट मिल्क करना है तो मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे दूध रख दूंगा, और इसे मैंने सेट कर दिया टाइमर को, तो एक मिनट बाद ही ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, खुद ही से पावर ऑन हो जाएगा, हमें सिर्फ मेन पावर सप्लाई लेनी है। तो अभी देखिए एक मिनट बाद ये चालू हो जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, आप देख सकते हैं एक मिनट का टाइमर पूरा होते ही पावर ऑन हो गई अपने आप, और ये हीट मिल्क करना शुरू कर दिया है, जिसका टेम्परेचर 20 मिनट का सेट हुआ है, हम इसे कम करके एक मिनट कर लेते हैं। ये देखिए मैक्सिमम 3 आवर्स तक जा सकता है, आपको दिखाऊं, ये देखिए ये जो है आवर्स का है, तो ये 3 आवर्स दिखा रहा है, मैक्सिमम 3 आवर्स तक इसका टेम्परेचर आपका टाइमर सेट हो सकता है। इस तरह से आप इसका टाइमर सेट करते हैं, मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी 3 आवर्स तक चलने की है नॉन स्टॉप। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे और फंक्शन थे, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और अगर ऐसे हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब का लोगो चल रहा है, टेक्नोलॉजी आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, हमें फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और हमारे साथ बने रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।